अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की। आज है दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप देखिए, पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात उनके आवास पर, और फिर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि तीनों ही एक साथ अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, इस तरह की भी खबर है, और अब प्रहलाद जोशी के आवास पर। बिल्कुल, देखिए कि मंत्रिमंडल का गठन होना है और उस लेकर जो कवायदे होनी है, कल जिस देर रात जिस तरह से बैठके हुई, उसके बाद देखिए दिग्गज नेता, चूंकि प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी रहे हैं राजस्थान के और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में, ऐसे में उनसे भी मंत्रिमंडल गठन को लेकर चले ओम बिरला से कल देर रात भी करीब चर्चा हुई, उसके बाद आज सुबह भी करीब आधे घंटे के करीब बैठक हुई। अब जो है प्रहलाद जोशी के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं, वो दोनों मौजूद हैं और करीब 5 मिनट से दोनों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। और करीब देखिए कि ये सब बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर एक ही है हार्दिक, कि किसी भी तरह जो मंत्रिमंडल बनना है उसमें लेकर कुछ ऊहापोह की स्थिति हो तो उस पर सभी की राय ले ली जाए, कौन कौन चेहरे किस तरीके से जो नाम है चर्चा है उन पर सभी तरह से बातचीत कर ली जाए, और जब फाइनल चेहरे सामने आए तब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहे, किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं रहे, यही इन बैठकों का, मुलाकातों का दूसरा एक औपचारिक मुलाकात है कि दिल्ली आने पहला दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वो सभी उन लोगों से जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो चुनाव प्रभारी रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि अभी नितिन गडकरी से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन अभी नितिन गडकरी जो हैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ अपने निवास पर पहुँचे हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात का टाइम जो है अभी फिक्स नहीं हो पाया। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति अगर कहें जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन वो अभी समय तय नहीं हो पा रहा है, यानी अगर वो जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती फिर 10:30 बजे का पहले कहा गया था, लेकिन वो 11:30 बज सकते हैं। इसी तरीके से लगातार ये मुलाकातों का दौर है, और जिस तरीके से प्रहलाद जोशी के आवास पर आने और उनके मुलाकात करने का कारण यही है कि चुनाव में प्रभारी रहे हैं, उनको पूरा सभी का पता है कि कौन कितना किसने मेहनत की और किस तरह से किसका जो श्रेय किस तरह से कितना योगदान रहा, ऐसे में जो नाम अगर कल बैठक में सुझाए गए, चूंकि कल प्रहलाद जोशी बैठक में नहीं थे, तो ऐसे में उन पे भी चर्चा की जानी है कि प्रहलाद जोशी का अगर कोई उसमें सजेशन आता है तो क्या कुछ रहता है, और इन सभी तमाम कह सकते हैं मुलाकातों बैठकों का एक ही निचोड़ है, एक ही निर्णय है कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आएंगे उसको लेकर जो पूरी तरह से राय बनाई जा सके, इसको लेकर ही ये बैठकें और मुलाकातें हो रही है। इसके अलावा कुछ और बैठकों का भी अभी आपको जानकारी है कि किसी और बैठक में भी वो जा सकते हैं, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि जगदीप धनखड़ और नितिन गडकरी भी अभी लाइनअप है। हार्दिक, अभी नितिन गडकरी और जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर जाने कर उनसे मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है कल से ही प्रस्तावित है ये, लेकिन फिलहाल अभी पहले सुबह 9:30 बजे का जो कार्यक्रम था फिर वो आगे बढ़ा, और अब 10:30 बजे जो है नितिन गडकरी के कार्यक्रम हुआ वो भी अब आगे बढ़ रहा है। इस तरह से अभी फिक्स नहीं है कि दोनों का कितने बजे मुलाकात होगी, लेकिन ये है कि 2 बजे से पहले जो है सभी मुलाकातें होगी, उसके बाद जो है आगे का तय होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।